वेल, क्या फैंस तेजस्वी के नागिन 6 के करंट ट्रैक से है नाराज? क्या तेजस्वी के नागिन 6 के स्टोरी में अब नहीं है वो दम? आखिर क्या कुछ हुआ है जिस वजह से टीआरपी में तेजस्वी का नागिन 6 फिलहाल डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है? चलिए आपको बताते हैं कि जो टीआरपी लिस्ट सामने आई है फॉर ऑल द शोज ऑफ ऑल द चैनल्स, आखिर नागिन 6 कहाँ पे है, कौन सा शो नीचे है, कौन सा शो टॉप पे है, क्या कुछ हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं लेटेस्ट वीक के टीआरपी। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, नागिन 6 जब से शुरू हुआ है तब से ही कलर्स का नंबर वन शो रहा है। भले ही वीक में दो बार आता है, बाई वीकली है सैटरडे संडे, लेकिन फिर भी नागिन 6 कलर्स का मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट वॉच शो बन चुका है। अगर बात करें ऑनलाइन टीआरपी की, तभी भी टॉप 5 में हमेशा इसका नंबर आता है। अगर कलर्स की बात करें तो नंबर 1 शो आता है। और अगर टेलीविजन की जो रेटिंग्स है, टीआरपी जो है, उसमें भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं टॉप 5 में आता रहता है। लेकिन इस बार टॉप 5 से थोड़ा सा इसका नंबर जो है नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से फैंस कहीं ना कहीं क्या तेजस्वी के स्टोरी लाइन से, जो प्रथा की जो स्टोरी लाइन है, क्या उससे नाराज है? क्या प्रथा ऋषभ के स्टोरी में फिलहाल दम नहीं लग रहा है, उनके रोमांटिक सीन्स नहीं आ रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री जो है इतनी अच्छी है, फिर भी उसका स्टोरी में क्रिएटर्स जो है या फिर डायरेक्टर जो है या जो स्क्रिप्ट राइटर्स है वो इसका फायदा नहीं उठा रहे? इस तरीके के सवाल जरूर मन में आने वाले हैं, क्योंकि अब लिस्ट जो आ चुकी है इसके बारे में आपको बताती हूँ। 10 से 1 तक की पोजिशन, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 वर्किंग शो, दैट इज अनुपमा। 3.2 की रेटिंग्स है और ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसकी रेटिंग 2.4 है। वेल, देखिए 1 और 2 में कितना बड़ा डिफरेंस है। 3.2 अनुपमा के लिए है, तो 2.4 जो है ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। दोनों ही शोज में फिलहाल वेडिंग का ट्रैक शुरू है। अनुपमा हमेशा टॉप पे रहा है, इस बार भी कोई अलग नहीं दिख रहा है। अनुपमा ही स्टार प्लस का टॉप पे है, तो दूसरा और एक शो फ्रॉम स्टार प्लस ही दिखाई दे रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। थर्ड में आ रहा है ये है चाहते, 2.3 की रेटिंग मिल रही है। तो फोर्थ है गुम है किसी के प्यार में, 2.2 की रेटिंग। फिफ्थ नंबर पे आ रहा है इमली, इमली को मिली है 2.1 की रेटिंग। सिक्स नंबर की अगर बात करें तो साथ निभाना साथिया दिखाई दे रहा है ऑन 1.8 का रेटिंग, एंड सिक्स नंबर पे है ये। सेवन्थ पे नागिन 6 दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 1.7 की रेटिंग है, 0.1% जो है, 0.1 रेटिंग जो है साथ निभाना साथिया से डाउन है, और इसीलिए सेवन्थ नंबर की पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। एट्थ में कुमकुम भाग्य 1.7 की रेटिंग के साथ दिखाई दे रहा है। नाइन्थ पे उड़ारिया 1.6 के रेटिंग के साथ, और टेंथ की अगर बात करें तो कुंडली भाग्य दिखाई दे रहा है 1.6 की रेटिंग के साथ। अगर आप ये रेटिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि नागिन 6 की टीआरपी बहुत कम गई है, बट ये है कि कई सारे शोज की रेटिंग ऊपर गई है, जिसके चलते नागिन 6 की बाय डिफॉल्ट टीआरपी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या इसके पीछे स्टोरी लाइन का प्रॉब्लम है, क्या इसके पीछे एक्टर्स का इशू है, क्या इसके पीछे डायलॉग्स का है, डायरेक्शन का है, या फिर प्रारिश के जो रोमांटिक सीन्स नहीं मिल रहे हैं उसके पीछे का ये रीजन है? क्या कुछ है आपको कहना इस बारे में, जरूर नीचे कॉमेंट करके बताइए। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।